नमस्कार दोस्तों, आज हम डायबिटीज़ के लिए कुछ योग और प्राणायाम बता रहे हैं। उसमें सबसे पहला है मंडूकासन। इस तरह से वज्रासन में बैठकर दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करके नाभि के दोनों तरफ लगाएंगे इस तरह से, और फिर सांस भरते हुए पहले सांस भरेंगे, इनहेल किया और एक्सहेल करते हुए नीचे आएंगे। अब इसी स्थिति में सामने की तरफ देखते हुए कम से कम 4-5 इनहेल एक्सहेल करना है, और उसके बाद वापस आएंगे। और इसी तरह से आप 3-4 पुनरावृत्ति करेंगे इसकी 3-4 बार। और ये है मंडूकासन 2। इसमें सिर्फ दोनों हाथों को आपको ज़मीन पे रखना है और इसी तरह से नीचे आना है। मंडूकासन 2 में भी सेम वही सांसों की प्रक्रिया रहेगी। तीसरा है पश्चिमोत्तानासन, जिसमें आप सीधे बैठकर इस तरह से दोनों पैरों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। जितना ज़्यादा आपका पेट जो है दबेगा नी से, उसे टच करने की कोशिश करो, तो उससे आपके जो पैंक्रियाज है वहाँ पर उसके सेल्स एक्टिवेट होते हैं। और ये पश्चिमोत्तानासन, इसमें भी जो भी आसन है उनमें आपका पेट पर दबाव पड़ेगा। यह है अर्धमत्स्येन्द्रासन। इस स्थिति में रहेंगे। और उष्ट्रासन, उष्ट्रासन भी डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है और हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये। तो इसमें इस स्थिति में रहना है। ये है पवन मुक्तासन, जो कि पेट के डाइजेशन के लिए भी अच्छा है और डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। उसके बाद हम कपालभाति, जो कि षटकर्म की क्रिया है, उसको 5 मिनट के लिए करें। करीब 300 स्ट्रोक करने ही हैं, तो आपको उसमें सांसों को बाहर छोड़ने पर ध्यान देना है। पेट अंदर जाएगा जब भी हम सांस छोड़ेंगे, और कोई भी मुद्रा लेके आप उसे कर सकते हो। तो उसके बाद हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे 5 मिनट के लिए, और ज़्यादा भी कर सकते हो आप, से 15 मिनट भी कर सकते हो। अगर आपकी डायबिटीज़ का ज़्यादा, आपके शुगर सही लेवल नहीं आ रहा है, तो उसमें ये मैंने एक अलग से इसका वीडियो भी बनाया है। लेफ़्ट से इनहेल करेंगे लेफ़्ट नोस्ट्रिल से, और राइट से छोड़ देंगे।